नमः ऋषभ देवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला स्मात् आविर्भूता मही कले। महानुभाव, आप पद्मनंदी पंचमी शतिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। कितना महान श्रेष्ठतम ग्रंथ भव्यात्मा, आज मैं आपको सुनाऊंगी एकत्व सप्तति, एकत्व भावना। सप्तति का मतलब यही है कि जिसमें 70 श्लोकों में आचार्य देव ने इसे रचा है, तो यह है एकत्व भावना। आपने अनित्य भावना सुनी है, अनित्य भावना से मतलब है संसार शरीर भोग आदि सब क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। और एकत्व का अर्थ है चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा एक है। एकत्व सप्तति में आप इस एकत्व भावना के अधिकार में पूरे समय सार का सार सुनेंगे। भगवात्मा, इसमें भी मैं सार में ही सार आपको सुनाऊंगी जो कि मुझे अत्यंत प्रिय रहा है। चिदानंदैक सद्भावम परमात्मानम अव्ययम प्रणमामि सदा शांतम शांते सर्वकर्मणाम। चिदानंदैक सद्भावम, जो चिदानंदैक सद्भाव, चित्त चैतन्य स्वरूप जो एक आनंद, चित्त चैतन्य स्वरूप परमात्मा का जो आनंद, उसे एक आनंद का ही सद्भाव है जिसमें ऐसा जो परमात्मा, और जो अव्यय है, कभी भी जिसका अव्यय यानी नाश विनाश नहीं होता है, ऐसा जो परमात्मा, और जो परम शांत है, सर्व कर्मणाम शांत है, संपूर्ण कर्मों की शांति के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए सदा प्रणमामि, मैं सदा उसे प्रणाम करता हूँ, ऐसा श्री पद्मनंदी आचार्य ने प्रारंभ में ही चिदानंद सद्भाव परमात्मा को नमस्कार किया। अध्यात्मा, वो परमात्मा कैसा है? खादि पंचक निर्मुक्तम कर्माष्टक विवर्जितम चिदानंदात्मकम चिदात्मकम परम ज्योतिर्वंदे देवेंद्र पूजितम। चिदात्मकम परम ज्योति ही चित्त चैतन्य स्वरूप जो परम ज्योति है, परम केवल ज्ञान स्वरूप है, और देवेंद्र पूजितम, देव इंद्र देवेंद्र आदि सभी से 100 इंद्रों से वंदे पूजित है, और कर्माष्टक विवर्जितम 8 कर्मों से रहित, खादि पंचक निर्मुक्तम खा यानी आकाश आदि 5 द्रव्यों से रहित, अथवा इंद्रिय पंच इंद्रियों के विषयों से रहित, 5 इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय और आकाश आदि 5 द्रव्यों से रहित, एक चित्त चैतन्य स्वरूप द्रव्य जीव द्रव्य स्वरूप, ऐसे जो परमात्मा हैं, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा, उनको वंदे, उनकी हम वंदना करते हैं। भव्यात्मा, यद अव्यक्तम अवधानाम व्यक्तम सद्बोध चक्षुषाम सारम यद सर्व वस्तूनाम नमस्तस्मै चिदात्मने। भव्यात्मने, अब वो आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि ऐसे चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, इससे अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा को भी नमस्कार हो जाता है। नमस्तस्मै, ऐसे चिदात्मा चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ कि जो अबोधानाम अव्यक्तम, जो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञान से शून्य हैं, अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार से जिनमें अभी समय ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है, ऐसे जो अव्यक्त, जिनके अज्ञानियों के लिए वो जो अव्यक्त है, उनमें अभिव्यक्त नहीं हुआ है, और सद्बोध चक्षुषाम व्यक्तम, सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करने वाले महापुरुष महायोगी, उनके लिए जो व्यक्त है, वो जिसका अभ्यास करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, निश्चय निश्चय जिस चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं, और जो सर्व वस्तूनाम सारम, संपूर्ण पदार्थों में जो सारभूत है, 9 पदार्थ हैं विश्व में, और उनकी अनंत अनंत जो पर्याय, उन सब में सारभूत अगर है तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही सार है, उसको यहाँ आचार्य देव ने नमस्कार किया है। भव्यात्मा, विचार करके देखा जाए तो आगे स्वयं आचार्य देव स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं
चित्तत्वं तत्प्रतिप्राणी देह एव व्यवस्थितं तमस्थन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः। अब यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो कहते हैं देखिए हे भव्यात्माओं, चित्तत्वं वो चित्त चैतन्य स्वरूप जो तत्व है, प्रतिप्राणी देहे एव व्यवस्थितं, प्रत्येक प्राणी के शरीर में व्यवस्थित है, विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संपूर्ण प्राणी के शरीर में जो विद्यमान है, निगोदिया जीवों में भी जो विद्यमान है, अभवी जीवों में भी जो विद्यमान है, प्रतिप्राणी देहे प्रत्येक प्राणी के शरीर में ही जो विद्यमान है, व्यवस्थित है। ऐसा चित्त चेतन स्वरूप जो तत्व है वो कैसा है? जो चित्त चेतन स्वरूप तत्व, वो तत्व समय ज्ञानियों के लिए ही गम्य है। तमस्थन्ना न जानन्ति, जो मिथ्यात्व से आछन्न है, तम यानी मिथ्यात्व, जिस प्रकार से अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिखती है, उसी प्रकार से संसार में मिथ्यात्व रूपी जो अंधेरा है उसमें हमें वो तत्व नहीं दिख सकता है, किसी जीव को भी वो तत्व नहीं दिख सकता है जो मिथ्यात्व के अंधेरे से सम्यक्त के उजेले में आते हैं, उन्हें ही वो तत्व दिखता है। भव्यात्मा, जो जीव जीवादि तत्वों का श्रद्धान करते हैं, जो इस लोक और परलोक को मानते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, ऐसे भव्यात्मा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी वही जो है उसका अनुभव करते हैं, उसे जानते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं। तमस्थन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः, और बाहर बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर बाहर ही यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, धन में सुख है, संसार में सुख है, पत्नी पुत्र बच्चे आदि परिवार में सुख है, मकान में सुख है, दुकान में सुख है आदि, सुख की कल्पना करके यत्र तत्र ढूंढ करते ही रहते हैं। भव्यात्माओं, इसीलिए तो योगियों की, साधुओं की गृहस्थों से बिल्कुल उल्टी रीति है। आचार्य श्री वीरसा जी महाराज कहा करते थे कि आप गृहस्थ बैठकर भोजन करते हैं और हम खड़े होकर करते हैं, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, आज तो आप लोग भी खड़े 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 भोजन करने लग गए, लेकिन फिर भी आपकी भोजन करने की पद्धति अलग है, साधुओं की अलग है। वो करपात्र में 46, 232 अंतरा को टालकर प्रासुक शुद्ध भोजन नवधा भक्तिपूर्वक दिया गया, श्रावकों के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा दिया गया भोजन एक बार करते हैं, और आप दिन में अनेक बार करते हैं, और स्वयं भक्ष हो चाहे अभक्ष, बाजार का बना हुआ हो चाहे जिसके हाथ का बना हुआ, चाहे जैसा हो, तो भव्यात्मा हर एक विषय में यही बात है कि साधुओं की रीति, साधुओं का स्वभाव, साधुओं का चिंतन, साधुओं की चर्या गृहस्थों की अपेक्षा बिल्कुल अलग रहती है। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर आचार्य देव यही कहते हैं कि वो तत्व कौन जानते हैं, उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं। बात यह है, हम और आप सभी संसार में रहने वाले प्राणी जितने भी हैं, दो भागों में ही विभक्त हैं, गृहस्थ और साधु। तो साधु जो हैं उनका जीवन, उनकी चर्या केचित, वो स्वयं आचार्य देव कहते हैं, बहिर्विषय संबंध सर्व सर्वस्य सर्वदा अतस्तद्भिन्न चैतन्य बोध योग दुर्लभ। भव्यात्मा, बहिर्विषय संबंध, बाहर के विषयों का जो संबंध है सभी संसारी प्राणी के, सर्वस्य सर्वदा सभी संसारी प्राणियों के लिए, सर्वा सभी बाहर विषयों का संबंध, बाह्य पदार्थों का संबंध हमेशा अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए अतस्तद भिन्न चैतन्य बोध योग दुर्लभ, इसलिए उससे भिन्न, बाह्य पदार्थों से भिन्न चित चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसका बोध यानी ज्ञान और उसका योग यानी उसकी चर्या, उसका ध्यान, उसका चिंतन, ये दो चीज़ें ही दुर्लभ हैं समय सार में श्री कुंदकुंद देव ने इसी बात को कहा है। वो कहते हैं शुद्ध परिचिदा निबोधा, शुद्ध परिचिदा निबोधा, सर्वस्वी काम भोग बंध कहा।
संसार में काम भोग बंध की कथा सुत श्रुत यानी हमेशा अनाज काल से सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आ रही है। इसलिए एकत्व ओगो एकत्व का जो उपयोग है, एकत्व का जो अनुभव है, एकत्व का जो श्रवण है, वही नवर्ण सुलभो विहत्तस्व वो संसारी जीवों के लिए सुलभ नहीं है। तो भव्यात्माओं यही बात है कि वो लब्धि पंचक सामग्री विशेषा पात्रतांगतः भव्यः सम्यक दृगादीनां यः समुक्ति पथे स्तः। आचार्य ने कहा है कि पांच लब्धियां होती हैं, क्षयोषम विशुद्धि देशना आदि पांच लब्धियां मानी हैं। तो वो लब्धियां जो हैं उन पंच लब्धियों को प्राप्त करके ही क्षयोषम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण लब्धि, ये पांच लब्धियां जो हैं, ये चार लब्धियां तो संसारी जीवन में सामान्यतया मिल जाती हैं, लेकिन करण लब्धि दुर्लभ है। इसका विस्तार लब्धिसार छपड़ासार में गुमरसार आदि ग्रंथों में है। ये लब्धियाँ क्षयोषम परिणामों में कषायों की मंदता का होना, परिणामों में विशुद्धि का होना और देशना गुरु आदि की देशना का मिलना और उस योग के परिणाम का होना, पुनः करण रूप लब्धि परिणामों की उज्ज्वलता को प्राप्त करके जो पात्रता को प्राप्त होते हैं, ऐसे भव्य जीव ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं। मध्यात्मा ये निश्चित है कि ये चित्त चेतन स्वरूप एकत्व की भावना, चित्त चेतन स्वरूप एकत्व की भावना, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका अनुभव, ये भावना तो गृहस्थाश्रम में गृहस्थों के लिए संभव है, श्रद्धान संभव है, चिंतन मनन संभव है, लेकिन उसका अनुभव चित्त चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव योगी गण ही कर सकते हैं। योगी गम्यों योगियों के द्वारा ही गम्य है, क्योंकि वो संपूर्ण आरंभ और परिवर्य को छोड़ करके जब वो निराकुल होते हैं तो वे तभी वो उस चित्त चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं। तो भव्यात्माओं हम और आप भी उसका चिंतन करें, उसकी भावना करें। इसीलिए आचार्य कहते हैं देखिए सम्यक दृग बोध चारित्र तृतीय मुक्ति कारणम मुक्ता वेव सुखम तेन तत्र यत्नो विधीयताम। भव्यात्माओं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष का कारण है। मुक्तवेव सुखम और मोक्ष में ही सुख है, इन तीनों की एकता मोक्ष का कारण है और मोक्ष में ही सुख है। तेन इसलिए है भव्यात्माओं तत्र यत्नो विधीयताम, उसी के लिए हमें और आपको प्रयत्न करना चाहिए। भव्यात्मा यही बात हमें सार में श्री कुंद कुंद देव ने कही है, दंशन नान चरितानी सेव दबाणी साहुना निचम तान पुनिता जानी तिन्नि अपानम चेव निच्छय दो। भव्यात्माओं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों को साधुओं को हमेशा इन तीनों को सेवन करने चाहिए, अर्थात तीनों को धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तान जान पुनितान तिन्हुए ये तीनों जो है इनकी एकता ही मोक्ष का मार्ग है। और इन तीनों स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा में परिणति का होना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय सम्यक्त्व है, वो निश्चय रत्नत्र है। भव्य आत्माओं तो पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, ये नियम है। व्यवहार से ही मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो हम और आप सभी व्यवहार मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करें, समय सार के सार को प्राप्त करें। भव्यात्मा समय सार का अर्थ यही है, समय यानी चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा, सम्यक प्रकार से शुद्ध जो आत्मा है उसका सार शुद्धात्मावस्था, उसी का नाम है समय सार। शुद्धात्मावस्था का चिंतन, शुद्धात्मा का चिंतन, शुद्धात्मा की तरह उपयोग कर ले जाना, बार बार उसका चिंतन करना, मैं चित्त चेतन स्वरूप हूँ, मैं चित्त चेतन ज्योति स्वरूप हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, निश्चय नहीं से मेरी आत्मा जैसे बीज में वृक्ष है उसी प्रकार से मेरी आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, निश्चय नहीं से मेरी आत्मा चित्त चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। इस प्रकार का चिंतन एक न एक दिन
हमें और आपको निश्चित ही शुद्ध चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा बनाएगा, परमात्मा बनाएगा। ये चिंतन बार बार आप करते रहें, यही एकत्व सप्तति का सार मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। आपके लिए बहुत बहुत प्रेरणा और मंगल।